अस्सलाम वालेकुम। आज 13 सितंबर 2021 है और आप लोग देख रहे हो सऊदी अरब की डेली कोरोना रिपोर्ट। अब से कुछ वक्त पहले सऊदी वजारत सेहत के तर्जुमान ने कोरोना वायरस के मुताबिक नए दर्दशुमार जारी किया, जिसमें सऊदी वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 5 केसों की कमी के साथ 75 नए कोरोना मरीज रिकॉर्ड हुए हैं, जिसमें मुंतका रियाज 35, मुंतका मक्का मुकरमा 10, मुंतका शर्किया 5, मुंतका मदीना मनवरा 5, मुंतका जीजान 3, मुंतका असीर 3, मुंतका कसीम 3, मुंतका नजरान 3, मुंतका जूब 3, मुंतका हायल 2, मुंतका तबुक 1, मुंतका बाह 1 और मुंतका दूध शुमालिया 1, जिसके साथ अब तक सऊदी अरब में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाली मरीजों की टोटल तादाद 5,46,067 हो गया, जिसमें 2,295 एक्टिव मरीज है जो कि सऊदी अरब की मुख्तलिफ मनातक अस्पतालों में जेर इलाज है, जिससे 481 मरीजों को इंतहाई निगहदाश में रखा गया है। इसके साथ साथ वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 5 अफराद वफात हुए हैं, जिससे अब तक सऊदी अरब में कोरोना वायरस से वफात होने वाली मरीजों की टोटल तादाद 8,628 हो गया। इसके साथ साथ वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 66 नए कोरोना मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जिसके साथ अब तक सऊदी अरब में कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वाली मरीजों की टोटल तादाद 5,35,144 हो गया।